रफ्तार का कहर लील गया दो जिंदगियां। कुरुक्षेत्र के पहेवा उपमंडल में कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की दर्दनाक मौत। देर रात गुलाचिका रोड पर कैंटर की चपेट में आने पर बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लिया और घायल को अस्पताल में भेज दिया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं मृतक के निकटवर्ती राजीव कुमार के मुताबिक दोनों मृतक युवक विवेक और विजय पहेवा के रहने वाले थे। वह शादियों में स्टाल लगाने का कार्य करते थे। ये जो लड़कों का एक्सीडेंट हुआ, क्या जानते थे आप इनको? जी हाँ सर, मैं जानता था इनको। क्या काम करते थे ये लड़के? सर ये विवाह शादियों में स्टाल वगैरह का काम करते थे। और किस चीज़ से हुआ अभी तक पता चला कुछ? नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता चला, मेरे को भी सुबह ही पता चला इनके बारे में। अब क्या नाम है इन लड़कों के? इन लड़कों का नाम एक का विजय कुमार है और एक विवेक कुमार है। एक विवेक था और एक राजेश कुमार, ये मोटरसाइकिल पर सवार होकर चीका गए थे और तीनों लड़कियां पेवे के रहने हैं। जब ये चीके से वापिस आए तो सचदेवा फार्म के पास एक पेवे की तरफ से कैंटर जा रहा था, उसने सुनकर टक्कर मारी और मौके पर एक लड़का विजय कुमार एक्सपायर हो गया था और दो को सरकारी अस्पताल पेवा में पहुंचाया गया और एक लड़के को सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर LNJP अस्पताल कर दिया था, जो विवेक वह भी एक्सपायर हो गया और मुकदमा दर्ज कर दिया गया, कार्रवाई हुई और दोनों लड़कों का पोस्टमार्टम आज कराया गया। जो टैंकर चालक है वो टैंकर चालक फरार हो गया था। कुरुक्षेत्र से निर्मला दूत की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें यस टीवी।